हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ विपुल की कार। ओके, सो फाइनली या इट्स माय बर्थडे आल्सो, सो कार की ये रही। सो चलो चलते हैं। और ये कार है, इसकी की है। तो अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं अंदर बैठ के, तो जस्ट वेट। ओह आई एम सॉरी, इंडिया वाली औरत नहीं जाएगी, सॉरी फॉर दैट। सो ये अंदर से है, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है इसका। और बटन प्रेस स्टार्ट होती है। ये बेस मॉडल से ऊपरला मॉडल है, मतलब सेकंड मॉडल है, इससे ऊपर टॉप मॉडल है इसका। ये पार्किंग में अभी रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और जैसे जैसे इस साइड करते हैं तो स्पोर्ट्स में आ जाएगी। पीछे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें। बस ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, ये सेपरेट कर देता है, मतलब ऐसे बना देता है कैबिन सा अलग से इस कार को। अभी इसकी टेस्ट ड्राइव भी दिखाएंगे आपको। पीछे से काफ़ी स्पेस है इसमें, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये चीज़। ऑटो है, ये भी काफी स्पेस है इसमें भी। ये अलॉय व्हील है इसके, और फीचर हम जाते हुए बताएंगे। सो चलते हैं। सो ये लुक है इसकी। एंड हम आए हैं गुरु करे, सो ही इज द ओनर ऑफ द कार ऑब्वियसली। पीपल टेस्ला इज हियर, सो अभी हम जा रहे हैं बिकॉज इट्स माय बर्थडे। सो मैंने इनको बोला था कि जाके आना है गुरुद्वारे। सो बाय फॉर सम टाइम। सो इसके कुछ फीचर हैं जो हमें अच्छे लगे हैं, जस्ट वेट। एक्चुअली जो ये फीचर है ना इसका, स्टीयरिंग वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये मेरे को सबसे कूल फीचर लगा इसका। मतलब स्टीयरिंग हीट हो जाएगा, थोड़ा गर्म होएगा, मतलब ज़्यादा सर्दी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके एंड फाइनली लुक जो है, उस टाइम थोड़ा रेन हो रही थी, सो जस्ट वेट। ये लुक है इसकी, सनरूफ है। सो जैसे कि अभी हम जा रहे हैं, तो जो कूल फीचर है ना इस गाड़ी के, वो ये है, मतलब क्रूज लगा हुआ है, मतलब रेस पे पैर नहीं रखा हुआ है, सेट किया हुआ है सो पे, तो सो पे ही चलेगी वो। और एक है इसका स्टेयरिंग का, ये भी लगा हुआ है, तो ये खुद चलेगी अपने आप ही, मतलब ये कह सकते हैं कि लाइन असिस्ट है, और टेस्ला की आत्मा है कहीं 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 ना कहीं इसके अंदर कहीं ना कहीं। सो जैसे कि आप सभी सारा कार का व्लॉग देख चुके हो, तो अब हम बात करते हैं कि हमने कार परचेज कैसे की। तो सबसे पहले हम गए यूज्ड कार सेलर के पास, वहाँ पर हमने काफ़ी गाड़ियाँ देखी, बट जो प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे।
तो उसके बाद हमने डिसाइड किया, नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि हम ओल्ड नहीं रहे, हम न्यू लेंगे। तो हम गए फिर हुंडई के शोरूम में, तो वहाँ पे हमें ये कार पसंद आई, एलांट्रा प्रेफर्ड। तो हमने फिर इसके बारे में बात की कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले बात आती है लोन की, कि हाँ मतलब आपको लोन क्लियर करवाना पड़ेगा। तो हमने फिर अपना लोन पास करवाया, तो हमारा लोन पास हुआ बाई वीकली 200 का, मतलब $200 हमें बाई वीकली पे करने पड़ेंगे उसके। तो उसके बाद हमने कार बुक कर ली। कार बुक करने के बाद हमने डाउन पेमेंट भी दी, जो टोटल प्राइस था कार का वो था 32,000, और 2,000 हमने डाउन पेमेंट किया है कार की। उसके बाद उन्होंने हमको टाइम दे दिया कि हाँ 1 month के बाद आपकी कार आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ हमने जो है जैसे G1 G2 G हम मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो हमारे पास G2, मेरे पास दो फ्रेंड के पास G2 है, तो हमने फिर इंश्योरेंस करवाया। तो अगर आपके पास G लाइसेंस है तो आपका इंश्योरेंस और कम होता है। तो G2 था तो उसका इंश्योरेंस हुआ है $200 पर मंथ। तो मतलब टोटल बन गया है आपको 200 देने पड़ेंगे कार के, 200 देने पड़ेंगे आपको इंश्योरेंस के, तो टोटल आपको $400 पे करने होते हैं कार के। A few moments later. तो एक महीना वेट करने के बाद हम गाड़ी ले आए थे घर पे। तो मैंने पहले बताया था कि G2 पे ली थी, बट अभी 2-3 दिन पहले विपुल ने G क्लियर किया है, तो उससे क्या बेनिफिट होएगा, उसका इंश्योरेंस और कम हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है, और जैसे जैसे आगे आगे व्लॉग बनेंगे मैं डालता रहूँगा, पोस्ट करता रहूँगा। उम्मीद है आप सभी को व्लॉग अच्छे लगेंगे। सो थैंक यू।